मॉड्यूल ट्वेंटी टू पीयर रिजेक्शन वैन वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द पीयर रिजेक्शन वी नीड टू बी अंडरस्टैंड फर्स्ट पीयर एक्सेप्टेंस सो वट इज पियर एक्सेप्टेंस पियर एक्सेप्टेंस मीन्स वैन अदर पीपल परसीव अन अदर पर्सन एज अ वर्दी सोशल पार्टनर जिस तरह फ्रेंडशिप के अंदर म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होती है जो पियर एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ नॉट अ टू वे आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग ईच अदर इट इज़ अ वन वे आइडिया लाइक के दूसरे लोग आपको किस तरह परसीव करते हैं आ वो एक अडोलसन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते जो एक्सेप्टेंस होती है पियर एक्सेप्टेंस होती है लाइक योर अदर ग्रुप मेंबर्स एक्सेप्टिंग यू आर नॉट हैज़ अ वेरी डिटरमेंटल इफेक्ट ऑन द साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड अगर किसी बच्चे को जो उसके पीयर्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दैट्स मीन कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूवड होगी अब जो पीयर एक्सेप्टेंस है दो के ये वन साइडेड फैनोमिना है कि आपके दूसरे ग्रुप मेंबर्स आपको कैसे परसीव कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद इसमें एक इंडिविजुअल की पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं मिसाल के तौर पर यह देखा गया है कि दो चिल्ड्रन हु हैव मोर प्रो सोशल एंड हु आर वेरी फाउंड टू मेक मोर फ्रेंड्स वो सोशली ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं और इसी वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है और जो उनका सोशल सर्कल uh, है वो ज़्यादा अच्छा और बेहतर होता है लेकिन वो बच्चे जो कि पीयर uh, से रिजेक्टेड होते हैं एंड दोज हु डज नॉट गुड रिलेशनशिप विद पियर्स और उनके बारे में लोग या उनके जो पीयर्स हैं वो डिफरेंट किस्म की नेगेटिव बातें करते हैं रीमर स्प्रेड करते हैं तो वो बेसिकली बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है कि दे आर रिजेक्टेड बाय दे पियर्स अब जो रिजेक्शन होती है वो वर्ल्ड लेवल पे भी होती है और कोवर्ट लेवल पर भी होती है ठीक है यानी बच्चों को आप अपने साथ खेलने ना दें उसको कहा जाए कि जी ये आउट ग्रुप है हमने इसे अपने साथ खिलाना नहीं है दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पियर रिजेक्शन या उसके बारे में मुख्तु किस्म बाते की बातें स्प्रेड की जाए र्यूमर स्प्रेड की जाए तो इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ पियर रिजेक्शन अब ये जो पेयर रिजक्शन होती है जब भी किसी एक एडोलिसंस को तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो इफेक्ट होती है और फौरी तौर पर जैसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस जो हैं वो उसको फ़ेस करने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोनलिनेस लो सेल्फ़ इस्टीम इन सोशल इन्जाइटी लेकिन अगर हम यही चीज़ देखें कि अगर ये सोशल रिजेक्शन चलती रहे और जो उसके पीयर्स हैं herself, तो तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग हिम और हर सेल्फ दो दैट्स मीन के इन द लॉन्ग टर्म उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होगी और उसके साथ साथ उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो भी लो होती जाएगी इसके अलावा उसके बहुत से ऐसे बिहेवियर जिस तरह कंडक्ट के इशूज़ हैं वो भी एग्जिबिट हो सकते हैं अब आमतौर पर ये कहा जाता है कि जिन बच्चों को पीयर्स रिजेक्ट करते हैं या जो पीयर रिजेक्शन को फेस करते हैं दे आर एक्चुअली एग्रेसिव और समाइम सोशली विदड्रॉन पीपल अब ये जब इस चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसको यूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल होते हैं टूवर्ड्स अदर चिल्ड्रन उनकी हॉस्टैलिटी की वजह से जो दूसरे बच्चे होते हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और दे रिजेक्ट हिम और हर सेल्फ इसी तरह आ, वो बच्चे जो कि सोशली विड्रॉन होते हैं यानी जो आ, जो डोंट फील दम सेल्फ़ गुड एनाफ़ टू गो एंड टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल और उसकी वजह से वो लोनलीनेस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं जब वो इंटरेक्ट नहीं करते अपने पीयर्स के साथ तो डेफिनेटली दे हैव नॉट बीन नोटस्ड और चूँकि वो नोटस नहीं होते इसलिए जब इफ़ दे एवर ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द गेम तो वो आमतौर पर सोशल एक्सक्लूजन का शिकार होते हैं या दूसरे बच्चे जो हैं वो उनको अपने ग्रुप के अंदर इंक्लूड नहीं करते तो इन द लॉन्ग रन जो सोश पियर है वो बच्चे की साइकोलॉजिकल हेल्थ को अफेक्ट करेगी और ये साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है जब उसकी मैनिफेस्ट होगी उसके डिफरेंट कंडक्ट प्रॉब्लम्स के अंदर या उसकी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर या उसकी लो सेल्फ एस्टीम में थैंक यू